आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्राथमिक विद्यालय सुंदरपुर व जंगली हनुमान मंदिर सुंदरपुर वाराणसी में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में आम जनमानस ने भी सहभागिता की। इस दौरान विधायक सौरभ ने स्वयं अपने हाथों से घंटों तक झाड़ू चलाया, विद्यालय परिसर का कूड़ा साफ किया, पूरे विद्यालय परिसर में से कूड़ा निकाल बाहर किया गया। स्वच्छता के बाद वहां उपस्थित एक महिला ने विधायक को अवगत कराया कि समीप के ही हनुमान जी के मंदिर परिसर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। जानकारी मिलते ही विधायक सौरभ श्रीवास्तव अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर प्रांगण में पहुंचे और हनुमान जी के सामने शीश झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद पूरे परिसर की गंदगी को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर साफ किया और कचरे का निस्तारण कराया। स्वच्छता कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सभी ने काशी को स्वच्छ रखने का संकल्प भी लिया। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छता अभियान चलाकर विद्यालय व मंदिर परिसर को पूरी तरह से स्वच्छ कर दिया गया है, लेकिन यह सदैव स्वच्छ रहे इसके लिए स्वच्छता को अपनी दिनचर्या में अपनाना होगा। इस कार्य में निरंतरता आवश्यक है। अभियान में विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ उपस्थित थे मंडल अध्यक्ष शत्रुघ्न पटेल, अनिल सिंह, मंडल उपाध्यक्ष अरुण सिंह, उपाध्यक्ष अमरनाथ, सभासद संजय गुप्ता, सभासद इंद्र बहादुर पटेल, बसंत यादव, राजेश पटेल, संजय राजभर, दीपक विश्वकर्मा, महात्मा प्रसाद, आलोक शुभम पटेल, आयुष वर्मा, विजय वर्मा, प्रभात गुप्ता, रत्नेश्वर मोदनवाल, भरत गोड़, साधना गोड़, मंटू गोड़, विजय वर्मा, अशोक पटेल, अशोक पाल, गुड्डू पाल, बिगुल राजभर व अन्य लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।